ऐसे नेता जिनकी पहचान बिल्कुल अलग है, एक ऐसे नेता जिसे बिहार की राजनीति के किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। लेकिन उनकी कई कहानियों में से क्या आप जानते हैं कि वो उन्होंने पटना कब रुक किया था? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना का रुख कब किया और किन हालातों में किया। लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, जिंदगी बदल गई। एक बार हमारे गांव में एक हींग बेचने वाला आया। उसने हींग का अपना झोला नजदीक के कुएं के किनारे पर रख दिया। मैंने शरारतन उसका झोला कुएं में फेंक दिया। हींग बेचने वाले ने आसमान सिर पर उठा लिया और लोगों को मेरे घर ले आया। गुस्से से उन लोगों ने मेरी माँ से मेरी शिकायत की। उन्हीं दिनों मुकुंद भाई गांव आए हुए थे। मेरी माँ मेरी शरारतों से तंग आ गई थी। उन्होंने उनसे कहा कि वो मुझे अपने साथ पटना ले आए और वहाँ मुझे पढ़ाएं और ठीक करें। मैं खूब रोया। मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। मैं अपने दोस्तों और गाय गोरू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था। यह सोचकर मैं बेहद दुखी हो गया। वहाँ नहाने के लिए तालाब नहीं होगा, सवारी करने के लिए भैंस नहीं होगी, चूसने के लिए गन्ना नहीं होगा, चोर सिपाही खेलने के लिए दोस्त नहीं होंगे, आम अमरूद और जामुन के पेड़ नहीं होंगे, सोरठा बिरहा होली और चैता गाने वाले दोस्त नहीं होंगे। मैंने माँ से गुजारिश की, मुझे अपने साथ ही रखे और मैंने वादा किया कि आगे मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मैंने मुकुंद भाई से भी गुजारिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो मुझे अपने साथ पटना ले गए। मुकुंद भाई रोजाना 11 आना यानी करीब 66 पैसे कमाते थे। फार्म हाउस के नए बछड़ों को दूध पिलाना उनका काम था। वह रोज सुबह शाम बड़े से बर्तन में दूध लेकर बछड़ों को पिलाते थे। वह बछड़ों को दूध पिलाने जाते थे और मुझे भी देते थे। उन्होंने मेरे लिए एक पतलून और शर्ट खरीदी और मेरा दाखिला शेखपुरा में एक उच्च प्राथमिक स्कूल में करा दिया। यह वेटनरी कॉलेज परिसर में मुकुंद भाई को मिले एक कमरे के चपरासी क्वार्टर से कुछ मीटर की दूरी पर ही स्थित था। मुझे मेरे दोस्तों, खेतों, मवेशियों, पेड़ों और कुल मिलाकर गांव के सारे परिवेश की खूब याद आई और मैंने कई दिनों तक गुमसुम बना रहा। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और फिर बर्तन साफ करना और मेरे भाई और कॉलेज में दैनिक वेतन पर काम करने वाले उनके साथियों के लिए भोजन बनाने लगा। मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं स्कूल के सारे पाठ बहुत जल्दी कंठस्थ कर जाता था और जल्द ही शिक्षकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गया। शेखपुरा स्कूल के मेरे दोस्तों को गांव के मेरे जीवन की कहानियां सुनकर बड़ा मज़ा आता था। मैंने पटना के स्कूल के छात्रों के बीच चोर सिपाही और कबड्डी तथा चिक्का जैसे खेलों को लोकप्रिय बना दिया। मेरे स्कूल के दोस्त मुझसे प्यार करते थे और भैंस की सवारी करने और मछली पकड़ने जैसे मेरे कौशल के बारे में मज़े से सुनते थे। उनके लिए यह सब एक रहस्य जैसा था। मुकुंद भाई और उनके साथी भी मुझसे प्रेम करते थे क्योंकि मैंने जल्दी ही खाना बनाना, दूध उबालना और बर्तनों को साफ करना सीख लिया था। मुझे इन कामों में आनंद आता था। बाद में मेरे दो और बड़े भाई मंगरू और महावीर भी मुकुंद भाई के साथ वेटनरी कॉलेज में दैनिक वेतन पर काम करने लगे। मेरे गांव और स्कूल के दिनों की ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें लेकर मुझे दुख होता है। वहां दुष्कर और हताश करने वाली कई तरह की चुनौतियां थी, लेकिन एक बात का मुझे इन दिनों खूब पछतावा होता है। मेरे पास मेरे पिता की तस्वीर नहीं है। 1965 में मेरी मैट्रिक पास करने के बाद उनका निधन हो गया था। शेखपुरा स्कूल से प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद मेरा दाखिला बिहार मिलिट्री पुलिस BMP कैंपस के सरकारी माध्यमिक स्कूल में कराया गया, जो कि वेटनरी कॉलेज कैंपस के हमारे क्वार्टरों से सटा हुआ था। शंभु बाबू, देवदत्त त्रिपाठी, गोरखनाथ, नरेंद्र नाथ वर्मा और परमानंद बाबू हमारे शिक्षक थे। मैं हमेशा पहली कतार में बैठता था। मैं काफ़ी सक्रिय छात्र था। मिडिल स्कूल में मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर था। मैं अपनी क्लास में हिंदी निबंध लेखन और भाषण के मामले में सबसे अच्छा था।
शिक्षक जब सवाल करती तो मैं पूरे विश्वास के साथ खड़ा होता और उनका जवाब देता। शिक्षक के आने से पहले मैं डस्टर से ब्लैक बोर्ड को साफ कर देता था। परमानंद बाबू हिंदी पढ़ाते हुए और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए हमेशा अपने दांतों और निचले होंठ के बीच खैनी दबाए रहते थे। तो ये थी लालू प्रसाद यादव की पटना रुक करने की कहानी, किस प्रकार उनकी जिंदगी में बदलाव आया और अपने गांव की जीवन शैली को वो भूल नहीं पा रहे थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।